नीता अंबानी लाइफस्टाइल। दोस्तों, देश के बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का नाम दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में शुमार है, ये बात लगभग सभी लोग जानते हैं। मुकेश अंबानी का बिजनेस हो या उनका लाइफस्टाइल, हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। लेकिन आज हम आपको मुकेश अंबानी के बारे में नहीं, बल्कि 3 लाख की चाय पीने वाली और 40 लाख की साड़ी पहनने वाली रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और फाउंडर नीता अंबानी की महंगी चीजों के कलेक्शन और उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे, जो किसी प्रिंसेस से कम नहीं है। दोस्तों, भले ही आज नीता अंबानी एक रॉयल जिंदगी जीती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एक वक्त था जब वो एक स्कूल टीचर थी, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। मुकेश अंबानी से शादी के बाद कुछ ऐसा ही नीता अंबानी के साथ भी हुआ, और आज उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, वो एक रॉयल लाइफस्टाइल जीती हैं। तो चलिए जानते हैं उनके इसी रॉयल लाइफस्टाइल में इस्तेमाल होने वाली कुछ सबसे महंगी चीजों के बारे में। नंबर 1, साड़ी कलेक्शन। दोस्तों, आपने अभी तक अमीर लोगों के घर, बिजनेस या फिर उनके महंगे फोन और कार कलेक्शन जैसी चीजों के बारे में सुना या पढ़ा होगा, पर आज हम आपको देश के सबसे अमीर घराने की बहू नीता अंबानी के साड़ी कलेक्शन के बारे में बताएंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि नीता अंबानी कितनी खूबसूरत है, और खूबसूरत होने के साथ साथ उनका फैशन सेंस भी काफी अच्छा है। अक्सर नीता अपने फैशनेबल अंदाज के चलते सुर्खियों में रहती है, फिर मौका चाहे कोई भी हो, नीता अंबानी हमेशा ही डिजाइनर और महंगे आउटफिट्स में दिखती हैं। और उनकी खास बात यह है कि वो कभी भी अपना आउटफिट रिपीट नहीं करती। उनके वार्डरोब में ऐसे बहुत से महंगी और खास साड़ियां देखी जा सकती है, लेकिन हम आपको उनकी एक ऐसी साड़ी के बारे में बताएंगे जिसकी कीमत ही 40 लाख रुपए है। जी हाँ, 40 लाख। क्यों, चौंक गए ना? अब आप सोच रहे होंगे आखिर इस साड़ी में ऐसा भी क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल नीता अंबानी ने अपने बेटे आकाश अंबानी की शादी से जुड़े एक खास फंक्शन में पहनने के लिए इस साड़ी को तैयार करवाया था, जिसे चेन्नई के सिल्क डायरेक्टर शिवा लिंगम ने डिजाइन किया था। विवाह पातू के नाम से मशहूर इस साड़ी के साथ डिजाइनर ब्लाउज भी था, जिसके बैक पर भगवान श्रीनाथ जी की छवि बनी हुई थी। इस साड़ी को फेमस आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा की पेंटिंग की रेप्लिका डिजाइन के आधार पर बनाया गया था। साड़ी में सोने के तारों से कढ़ाई की गई है। सोने के अलावा इसमें अमर्ल्ड, रूबी, पुखराज, पर्ल और कैट आई जैसे रत्नों का इस्तेमाल किया गया है। इस साड़ी की खासियत यहीं खत्म नहीं होती। आपको बता दें, इस खूबसूरत साड़ी को कांजीवरम आर्ट में एक्सपर्ट 36 महिला कारीगरों ने मिलकर तैयार किया था। साड़ी का वजन 8 किलोग्राम था, और इसे पूरा करने के लिए कारीगरों को 1 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा था। दोस्तों, अब एक आम इंसान के लिए तो 40 लाख की साड़ी के बारे में सोचना ही शायद बहुत बड़ी बात होगी। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए ना। नंबर 2, ज्वेलरी। हर महिला की तरह नीता को भी सजने सवरने का बड़ा शौक है। ये बात अलग है कि और महिलाएं अपने इस शौक को पूरा करने से पहले 100 बार सोचती हैं, वही नीता को महंगे गहने खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ता। गोल्ड और कुंदन ज्वेलरी नीता अंबानी को सबसे ज्यादा पसंद है। अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज के दौरान नीता अंबानी सोलिटेयर से बनी ज्वेलरी पहनना पसंद करती है। यहाँ तक कि नीता किसी भी स्टार पार्टी या इवेंट में जाती है तो उनका लुक देखने के लिए बॉलीवुड सेलेब्स भी काफी बेताब रहते हैं। नीता अंबानी को आउटफिट के साथ ज्वेलरी मैच करना भी बहुत अच्छी तरह से आता है। आकाश अंबानी की शादी में नीता ने लाल रंग के आउटफिट्स के साथ व्हाइट और ग्रीन एमराल्ड ज्वेलरी से पहनी थी। माना जाता है कि ज्वेलरी नीता के कलेक्शन की सबसे महंगी ज्वेलरी में से एक है। ये तो फिर भी नेकलेस है जिनकी कीमत करोड़ों में होगी, पर इनकी तो अंगूठी की शुरुआत की कीमत 5 से 7 लाख रुपए होती है। हालांकि नीता अंबानी की ज्वेलरी में उनकी सबसे पसंदीदा है वो कीमती डायमंड रिंग, जो मुकेश अंबानी ने उन्हें प्रपोज करते वक्त पहनाई थी। इसकी कीमत आज से 30-32 साल पहले 18,700 रुपए थी। नंबर 3, टी। सुबह की शुरुआत चाय की चुस्कियों के साथ तो हर कोई करता है, मगर वो चाय ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए, 20 रुपए या फिर 100 रुपए की होगी, जिसे आम लोग रोज सुबह पीते हैं। मगर देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की ब्यूटीफुल वाइफ नीता अंबानी के दिन की शुरुआत जिस चाय से होती है, उसकी कीमत सुन आप चौंक जाएंगे। शायद जितनी कीमत नीता अंबानी की एक दिन की चाय की है, वो किसी आम आदमी की पूरी जिंदगी की चाय की कीमत से भी ज्यादा है। जी हाँ, नीता अंबानी जो चाय पीकर सुबह दिन की शुरुआत करती है, उसकी कीमत 3 लाख रुपए है। क्यों, चौंक गए ना? मगर ये बिल्कुल सच है। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर इस चाय में ऐसा भी क्या है जिसकी वजह से उस चाय की कीमत इतनी ज्यादा है। तो आपको बता दें, नीता अंबानी जो चाय पीती है, उसकी चाय की पत्ती तो महंगी आती ही है,
साथ ही वो जिस कप में चाय पीती है वो भी सोने का कप है। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान जब नीता अंबानी से पूछा गया उनको सबसे ज्यादा किस महंगी चीज का शौक है, तो उन्होंने बताया वो चाय की शौकीन है, वो हमेशा सोने के कप में चाय पीती है, इससे उनकी सेहत अच्छी रहती है। दरअसल नीता अंबानी जिस कप में चाय पीती है वो जापान का सबसे पुराना क्रॉकरी ब्रांड नॉरीटेक है। ये क्रॉकरी सेट 50 पीस में आता है। इस पूरे सेट की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है, तो हुई ना इस हिसाब से एक कप चाय की कीमत 3 लाख रुपए। और शायद यही वजह है कि आज 50 से ज्यादा उम्र की होने के बाद भी वो बेहद खूबसूरत नजर आती है और उन्हें देखकर कोई भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। दोस्तों अब ये बड़े बड़े लोग क्या जाने हम आम लोगों की चाय का स्वाद, अपनी सिंपल सी चाय के लिए एक लाइक तो बनता है ना। नंबर 4, वॉच कलेक्शन। वैसे तो दुनिया भर की घड़ियां समय ही बताती है, मगर किसी की बनावट अलग होती है तो किसी में इस्तेमाल की गई मशीन खास होती है। मिसेज अंबानी के हाथ में सजने वाली घड़ी मगर आम घड़ियों से अलग होती है। वैसे तो उनकी घड़ी भी समय ही बताती है, पर कहते हैं ना शौक बड़ी चीज होती है साहब। नीता अंबानी की घड़ियों का ब्रांड अलग होता है। उनके हाथों में सजने वाली घड़ी बुल्गारी, कार्टियर, राडो, गुकी और कैल्विन कैलिन ब्रांड्स की होती है। इन ब्रांड्स की घड़ियों की रेंज ही 2 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। दोस्तों आप कौन से ब्रांड की घड़ी पहनना पसंद करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ना। नंबर 5, बैग कलेक्शन। नीता अंबानी को लग्जीरियस हैंडबैग्स का भी शौक है। उनके पास इसका पूरा कलेक्शन मौजूद है। शायद ही दुनिया का कोई महंगा ब्रांड होगा जो नीता के पास ना हो। नीता को हर्मेस, चैनल, गोयार्ड और जिमी चू जैसे ब्रांड के हैंडबैग कैरी करना पसंद है। ज्यादातर फंक्शंस में नीता अंबानी ज्यूडिथ लाइबर के ग्लैमरस गणेश क्लच के साथ देखी जाती है। इन छोटे साइज के क्लच पर हीरे जड़े होते हैं जिसकी कीमत 3 से 4 लाख से स्टार्ट होती है। अगर आपको भी लग्जरी हैंडबैग्स का शौक है तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, लिपस्टिक। हर महिला को लिपस्टिक लगाने का बड़ा शौक होता है। आपने भी बहुत से ब्रांड्स के लिपस्टिक्स लगाई होगी जिनकी कीमत 100 रुपए से लेकर ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए होती होगी। लेकिन जब आप नीता अंबानी की लिपस्टिक की कीमत सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नीता अंबानी की लिपस्टिक इतनी महंगी है कि उस कीमत में एक आम इंसान अपने लिए एक अच्छा खासा घर खरीद सकता है। दरअसल नीता अंबानी लगभग 40 लाख रुपए की लिपस्टिक लगाती है। इस लिपस्टिक को खास तौर पर ऑर्डर देकर बनवाया जाता है जिस पर सोने की परत और हीरे जड़े होते हैं, यही कारण है ये इतनी महंगी होती है। शू कलेक्शन। रिलायंस इंडस्ट्रीज की मालिक बैग्स के साथ साथ महंगे जूतों का भी शौक रखती है। उनके पास गार्सिया, जिमी चू, पलमोड़ा, मार्लिन ब्रांड के तमाम जूते और सैंडल हैं। इन सभी ब्रांड्स की शुरुआती कीमत ही लाखों रुपए से होती है। ऐसा कहा जाता है नीता अंबानी कोई भी जूते या सैंडल एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा नहीं पहनती। दोस्तों ये तो फिर भी वो ब्रांड्स हैं जिनके बारे में कभी न कभी आपने सुना होगा, लेकिन उनके लग्जरी लिस्ट में ऐसे ऐसे ब्रांड्स शामिल हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। नंबर 8, वाटर। दोस्तों अभी तक तो आपने उनके इस्तेमाल में आने वाली विभिन्न पर्सनल और लग्जरी चीजों के बारे में देख लिया, लेकिन अब हम आपको नीता अंबानी जिस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए करती हैं उसके बारे में बताएंगे। उस पानी की खासियत और उसका प्राइस सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नीता अंबानी की 750 ml की एक पानी की बोतल की कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। जी हाँ, 40 लाख। ये पानी दुनिया में बहुत ही कम लोग पीते हैं। अब जाहिर सी बात है जिस पानी की कीमत ही लाखों में हो उसे कोई आम इंसान तो पी नहीं सकता। ये एक्वा डी क्रिस्टालो ट्रिब्यूटो नाम के एक विदेशी ब्रांड का पानी है जिसकी 750 ml की बोतल की कीमत लगभग $60,000 है, जो इंडियन करेंसी में 40 लाख हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये पानी इतना महंगा क्यों है, तो आपको बता दें इस बोतल की विशेषता ये है कि ये बोतल शुद्ध सोने से बनी है। इसके अलावा ये बोतलें अन्य रत्नों में भी पाई जाती हैं, और इस पानी में 5 ग्राम सोना भी मिलाया जाता है जो सेहत के लिए काफी लाभकारी होता है, और यही वजह है कि ये पानी इतना महंगा है। दोस्तों जहां एक तरफ लोगों को नॉर्मल पानी तक सही से नसीब नहीं होता, वहीं अमीर लोग 40 लाख तो पानी में खर्च कर देते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर देना। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत। आपका शुक्रिया।